हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको लेसन नंबर थर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, कंप्लीट समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन आप देखेंगे थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो उनको बोर्ड पर लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो कुछ बुक से आप देख लीजिए, और कुछ चीज़ें हम यहाँ पर स्क्रीन के माध्यम से दिखाएंगे, तो उसको देख करके आप समझ सकते हैं। बट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेसन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन है, अ कार मूविंग अलॉन्ग अ स्टेट हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। एक कार की स्पीड दिया हुआ है 26 किलोमीटर पर आवर, इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। ओके, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार एज्यूम यूनिफॉर्म एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू द स्टॉप। क्या पूछ रहा है, कितना रिटार्डेशन चाहिए उस कार को रोकने के लिए और उसको रुकने में कितना समय लगेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप शुरू कर दें, क्या लिखना शुरू कर दें, गिवन दैट क्या दिया है, कार की इनिशियल वेलोसिटी दिया है 126 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद उसको रोका जा रहा है। पूछा ना कि इतनी डिस्टेंस चलने के बाद वो रुक जा रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद, आई थिंक 200 मीटर्स, कितना है बालक, 200 मीटर्स, ठीक। और पूछ रहा है कि रिटार्डेशन क्या होगा और कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ हमसे पूछा हुआ है। दिया है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल, और आपसे पूछ रहा है कि क्या रिटार्डेशन होगा और कितना टाइम लगेगा। इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट कर लीजिए, देखिए किलोमीटर पर आवर है और इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब सब मीटर पर सेकेंड में है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे लिखें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। तो आप उसको लिख लें, क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये चीज़ इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल 35 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस की वैल्यू 200। ओके, यहाँ से इसको भेजेंगे इस क्वांटिटी को, तो माइनस हो जाएगी, आपको मिलेगा ए इक्वल टू 35 इंटू 35 अपान कितना, 2 इंटू 200। चलिए, यही ना होगा भाई, इस स्टेप को आप भेजोगे किसको, इसको भेजोगे इक्वल टू की धर, तो क्या होगा, माइनस होगा, और उसके बाद फिर यहाँ से ए के साथ मल्टीप्लाई किया है 2 एंड मल्टीप्लाई किया, क्या, व्हाट इज दिस 200। जब इसको इधर भेजोगे तो यह आकर के डिवाइड करेगा, और जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर, बिल्कुल ईजी था, एकदम आसान था, कुछ हमने इसमें कोई बहुत ट्रिक वाली चीज़ नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानें कि अगर ये किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें, 5/18 से मल्टीप्लाई करें, 35 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी दिया हुआ है, जब तक आप इसको लिख लोगे ना, गिवन दैट, किसी भी न्यूमेरिकल का गिवन डेट अगर आप लिख लेते हो, तो उसके बाद वो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाओगे। दूसरा पार्ट पूछा हुआ है, कितना समय लेगा ये स्टॉप होने में। चलिए, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इक्वल टू यू प्लस 80, वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 35,
प्लस ए की वैल्यू माइनस 3.06 इंटू टी, माइनस 3.06 ये इसका रिटार्डेशन था। चलें यहाँ से इस पूरे स्टेप को इधर भेज दीजिए, पूरे स्टेप को, तो माइनस हो जाएगा प्लस 3.06 इंटू टी इक्वल टू 35। यहाँ से आप टी इक्वल टू निकालें तो हो जाएगा 35 अपान 3.06। कैलकुलेट करने के लिए 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3500 अपान 306। 00 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हटेगा कि नहीं हटेगा, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको मिलेगा नियर अबाउट टू 11.44 सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था, आंसर नंबर 6 है जिसको आपको हमने अभी जस्ट बताया। कोई बहुत इसमें ट्रिक वाली बात नहीं थी, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं थी कि जो आपको कन्फ्यूजिंग कर दे, बिल्कुल ईजी था, तो इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर्स, दो ट्रेन हैं जिनकी लेंथ दिया है 400 मीटर्स, ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन हैं जिनकी खुद की लेंथ 400 मीटर है और वो क्या करें, एक पैरेलल ट्रैक पे, दोनों पैरेलल ट्रैक पर एक ही डायरेक्शन पे, सेम डायरेक्शन मतलब उसी डायरेक्शन पे मूव कर रही हैं दोनों सेम के सेम। आगे बोला स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में, ओके। इन द सेम डायरेक्शन विथ ए अहेड ऑफ बी, द ड्राइवर बी डिसाइड टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट बाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ड्राइवर बी था, बी वाला दूसरा ड्राइवर जो था, वो सोचा ए को ओवरटेक कर दें, ओवरटेक करने के लिए उसने अपना एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंक्रीज कर दिया, अपनी स्पीड बढ़ा दी, एक्सेलरेशन इंक्रीज किया, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। इफ़ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। कह रहा है कि अगर 50 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 50 सेकेंड में वो ड्राइवर इसको ओवरटेक कर देता है तो दोनों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत मज़ेदार है, कोई बहुत रिस्क वाला नहीं। ये आपका ट्रेन ए चल रही है, ये ट्रेन बी चल रही है, ए रख लीजिए, बी रख लीजिए, ठीक है, दोनों सेम स्पीड चल रहे थे, कितना 72 किलोमीटर पर आवर से। अभी बी के मन में खुला पात आया कि हम ए को ओवरटेक करते, और ए को ओवरटेक करने के लिए इसने क्या किया, अपना एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंक्रीज कर दिया, बट बी ने इंक्रीज किया है, बी तो वही किया हुआ है, तो बी में कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ए से डिस्टेंस टेबल निकाल दें, बी से डिस्टेंस टेबल निकाल दें, और दोनों के बीच को माइनस कर देंगे तो दोनों का एक्चुअल लेंथ हो जाएगा, कितना लेंथ है। चलिए शुरू करते हैं। गिवन दैट क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बोट है कितना 72 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करिए तो मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। पहला एक्सेलरेशन ऑफ ए 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। बी वाला जो टाइम लिया है 50 इक्वल टू वो है 50 सेकेंड, कितना है 50 सेकेंड। ये कुछ डाटास जो उसमें डाटा दिए गए थे वो आपके सामने बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, ए के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ था, तो यस ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस ए इक्वल टू यू की वैल्यू 20, कितना सेकेंड 50 सेकेंड, प्लस 1/2, कितना एक्सेलरेशन 0 एक्सेलरेशन, इंटू टी स्क्वायर। आपको एस ए इक्वल टू मिल जाएगा 10,000 मीटर। इसको दिमाग में रखे रहिए, बिल्कुल
इसको माइंड में रखे रहिए। अब आते हैं किसके लिए, दूसरे वाले के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, बी ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था। सेम फार्मूला, एस बी इज्कल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ बी कह सकते हो, यहाँ पर आप ए कह सकते हो, एसेलरेशन अगर दोनों की इनिशियल वेलासिटी या दोनों के लिए टाइम सेम था। एस बी इज्कल टू 20 इंटू 50 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू टी की जगह पर 50 का स्क्वायर, ये मिलेगा आपका। यहाँ एसेलरेशन है उस बॉडी के पास, एसेलरेशन है। चलिए एस बी इज्कल टू 1000 10 प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर लें आप, 25 का स्क्वायर 25 लगा दें उसमें, अपॉन 2 कर दें, कितना हो जाएगा आपका एस बी इज्कल टू, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 या 25 और उसके बाद 0 का स्क्वायर करेंगे 00, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा एस बी इज्कल टू 2250, यही मिलेगा ना जी, 2250 मीटर। ये आपका एस बी मिल गया। एस वन जो है उतने टाइम में 50 सेकंड में 1000 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया, और एस बी जो है उसी 50 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड एसलेट करने की वजह से 2250 मतलब कि 2250 मीटर, 2250 मीटर माइनस कर देंगे तो जो आपका आएगा एक्चुअल जो लेंथ है दोनों के बीच का, एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा एस बी माइनस एस ए, डायरेक्ट लिख दें 2250, 100 घटा देंगे तो 1250 मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 1250 मीटर, ये इनके बीच के एक्चुअल डिस्टेंस आएगी। ठीक है, दोनों ट्रेनें चल रही थी, किसी एक ने सोचा कि दूसरे को ओवरटेक कर दें, ओवरटेक करने के लिए उसने अपना एसेलरेशन इंक्रीज़ किया, तो उस एसेलरेशन इंक्रीज में उस टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और दूसरा कितनी ट्रेवल करेगा, दोनों की डिस्टेंस निकाल लीजिए और निकालने के बाद फिर उसके में से बट डिस्टेंस में से छोटी वाली को माइनस कर देंगे तो आपको एक्चुअल लेंथ पता चल जाएगी, कितनी डिस्टेंस एक दूसरे से वो दूर पे है। ठीक, कोई प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, अ प्लेयर थ्रोन अ बॉल अपवर्ड विथ इनिशियल वेलासिटी 29.4 मीटर पर सेकेंड, एक बच्चा जो एक बॉल को थ्रोन करता ऊपर की तरफ फेंकता है कितने की स्पीड से, 29.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछता है व्हाट इज अ डायरेक्शन ऑफ एसेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, जब बॉल ऊपर जाती है तो एसेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है। दूसरा का है व्हाट आर द वेलासिटी एंड एसेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, जब ये अपने मोशन के हाइएस्ट पिक पे जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, तो वहाँ पर एसेलरेशन और वेलासिटी क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तीसरा है चूज द एक्स इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू जीरो टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ अ बॉल एट इट्स हाइएस्ट पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द पोजिशन ऑफ डायरेक्शन एक्स एक्सिस एंड गिव द साइन ऑफ द पोजिशन एक्चुअली एंड एसेलरेशन ऑफ अ बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये पूछ रहा है कि उस वक्त क्या डायरेक्शन होंगी उनकी, अभी इसको बताते हैं। चौथा जो सबसे मजेदारी है सॉल्व करने वाली चीज़ है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड, कितने जब बॉल को थ्रोन करेगा तो कितना ऊपर जाएगा और कितने सेकेंड के बाद वो बॉल उस प्लेयर के हाथ में आएगा। तो इसका जो है पहला आंसर हम आपको बताते हैं, पहला जो आंसर होगा वो पहला आंसर बिल्कुल ईजी है कि जब बॉल को आप कहाँ थोक फेंकोगे, यहाँ मान लीजिए ये लड़का था और उसने हाथ से बॉल को ऊपर थ्रोन किया, राइट, ये बॉल ऊपर जा रहा है, तो जब ये बॉल ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड इसकी स्पीड कम होती है, मतलब कि एसेलरेशन नीचे ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ होती है इसको अट्रैक्ट करती कहाँ पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी जी की वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, किसी भी चीज़ को फेंक के देखो, ऊपर फेंकोगे तो वो धीरे 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 स्पीड कम होती है, और उसके बाद क्यों कम होती है, क्योंकि नीचे की तरफ एसेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है,
दूसरा पूछ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद उसकी एक्सेलरेशन और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको पता होगा जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तो रुक करके फिर कहाँ आता है, नीचे आता है। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ठीक। तीसरा जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, पूछ रहा है कि उस वक्त डायरेक्शन क्या होगा। तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन द साइन ऑफ द पोजीशन पॉजिटिव, ड्यूरिंग द वेलोसिटी इज नेगेटिव। जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो उसकी जो साइन लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, बट वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, घट रही है, धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है, तभी तो लास्ट में जाकर के वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। एंड साइन ऑफ एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, साइन ऑफ एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, नीचे की तरफ लग रहा है एक्सीलरेशन, बढ़ रहा उसका एक्सीलरेशन, तो पॉजिटिव होगा, ठीक, अच्छी बात है। ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन द साइन ऑफ पोजिशन वेलासिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑल ऑफ पॉजिटिव। जब नीचे की तरफ आएगा तो सबकी स्पीडें बढ़ेंगी, तो सबकी जो साइन होगा वो सबके सब पॉजिटिव होंगे। अपवर्ड जाएगा, जब किसी बॉल को हम अपवर्ड थ्रोन करेंगे ऊपर की तरफ, अपवर्ड, और एक कंडीशन कहाँ का है, डाउनवर्ड, ये दो कंडीशन है। कह रहा कि बॉल को अगर हम अपवर्ड करते हैं, कह रहा कि अगर बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, अपवर्ड, और फिर कहाँ फेंक रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर आप बता दो पोजीशन की साइन, वेलोसिटी की साइन, एक्सेलरेशन की साइन, सेम चीज़ यहाँ भी, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जी लिख सकते हो या ए लिख सकते हो, उसमें कोई कन्फ्यूजिंग वाली बात नहीं है। तो ये चीज़, जब अपवर्ड फेंकेंगे आप अपवर्ड, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती है, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, बाकी पॉजिटिव पॉजिटिव। और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, किसके लिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ऑल आर पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव होंगे, ये चीज़ कह रहा है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी वाला, जो इसका डी वाला पूछ रहा है कि कितना हाइट ये पिक करेगा और उसके बाद कितना समय ये लेगा। तो वो हमें हाइट फाइंड करना है और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टाइम। तो गिया क्या हमको गिवन डैट, क्या लिखेंगे, गिवन डैट हमको इनिशियल वेलोसिटी दिया था, कितना दिया था इनिशियल वेलोसिटी, 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और क्या हमको पता है, और हमें फाइनल वेलोसिटी पता है कि बॉल ऊपर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो हो जाएगी। अब इनकी वैल्यू रख करके हम कैलकुलेट कर लें और हम निकाल लेंगे क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यस इज इक्वल टू, नहीं, टू ए एस इज इक्वल टू, ऐसे लिख लें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो ये हो गया आपका जीरो, ये हो गया 29.4 का स्क्वायर प्लस टू जी की वैल्यू, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा 9.8, ठीक, और ये आपका हो गया एस, यही हमको फाइंड करना है। ये पूरा स्टेप माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 × 9.8 × s = 29.4 × 29.4। यहाँ से s इक्वल टू कैलकुलेट करें, s इक्वल टू, तो 29.4 × 29.4 अपान 2 × 9.8 होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत वाली बात बोले नहीं। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यस इक्वल टू आएगा 44.1 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 44.1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अभी पूछा है कितना टाइम लगेगा, क्या पूछा है, कितना टाइम लगाएगा, तो टाइम के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी,
वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 29.4 माइनस 9.8 इंटू टी। यहाँ से कर लें टी इज्कवल टू 29.4 अपान 9.8 294 अपान 98। ये पता ना माइनस वाला जब इधर भेजेंगे इक्वल टू के तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये जब पूरा स्टेप इधर आएगा फिर यहाँ से टी को तो डिवाइड कर जाएगा और डिवाइड करेगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी 3 टी इज्कवल टू 3 सेकेंड आ जाएगा। अब ये छोटी सी चीज़ सीखने की है, ये 3 सेकेंड किसका है? अपवर्ड डायरेक्शन का, और 3 सेकेंड कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन का। तो टोटल टाइम की बात कर लें, टोटल टाइम तो टी जाने का और टी आने का मतलब 6 सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, नोट कर लीजिए।